सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सबको अभी रूम का टूर करवाती हूँ। कहने पे हमें मिलता है चाय बनाने की चीज़ है, चाय या कॉफ़ी बना सकते हो। इसमें शुगर, इसमें टी लीफ और ये कॉफ़ी, ये आई थिंक मिल्क पाउडर होगा, तो इसमें आप बना सकते हो। और यहाँ पे है रूम, और सबसे स्पेशल चीज़ मैं दिखाती हूँ आपका। हैप्पी एनिवर्सरी, ये मेरे हस्बैंड ने लिखवाया था। और यहाँ पे एक टीवी है, और ये है मिनी बार। इस होटल का छोटा मोटा मेन्यू, ये सब चॉकलेट का प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मार्क्स है, ये $2 पड़ेगा आपका, सीधे तक $2 पड़ेगा। बट यहाँ से आप लेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा, ये अगर बाहर से लेते तो थोड़ा सा ये सस्ता होगा, थोड़ा सा चीप रहेगा बाहर में। तो ये इंक्लूड नहीं है हमारे बुकिंग में, इसको अलग से लेना पड़ेगा। और ये सारा जो कोका कोला, स्प्राइट, रेड बुल, वो जितने भी थे सबका अलग से इसमें प्राइस लिखा हुआ है, $2, $2, $5 सारा। जिंजर सूरत चीज़ यहाँ की वो है बालकनी। तो यहाँ पे दो चेयर रखे हुए हैं आई मीन कपल के लिए। और ये रहा यहाँ का व्यू, बहुत सुंदर व्यू है। लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं और हम लोग भी जाएंगे। आज तो जस्ट आए हैं तो थोड़ा बहुत थके हुए हैं, तो आज नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे कल। और यहाँ पे है रेस्टोरेंट, ये इसी होटल का रेस्टोरेंट है ये दोनों। तो सुबह का ब्रेकफास्ट या शाम का ब्रेकफास्ट या डिनर लंच सब यहीं पे मिलेगा। अलमीरा और ये छोटा सा फ्रिज, और इसमें क्या हो सकता है, किसकी चीज़, ये लाइक स्प्राइट, रेड बुल, कोका कोला, यार जो भी हो, मुझे ये नहीं, ये सब नहीं पीना क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है। पी सकती हूँ मन किया तो। और यहाँ पे टीवी, और ये हूँ मैं। वहाँ से आने के बाद सबसे पहले मैं नहाई क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट फील हो रहा था। और ये रहा इमली, इमली सीरियल दे रहे हैं स्टार प्लस में। और ये क्या आप देख सकते हो, ये मेरे हस्बैंड को उनके एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया है, तो मैं इसको पहन के दिखाती हूँ ये कैसा लगता है मुझ पे। क्योंकि मुझे यहाँ पे सोना है और ये मुझे हटाना पड़ेगा, मन तो नहीं कर रहा है बट मुझे हटाना पड़ेगा। सो गाइस, मैं अभी बैठी हूँ इधर बालकनी में और बस ऐसे व्यू देख रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ऑब्जर्व कर रही हूँ चीज़ों को, पता नहीं मुझे ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगता है। मनीष गया नीचे, लोगों का एनिवर्सरी है तो उसका कुछ प्लान करना है, डिनर का कुछ प्लान करना है, तो उसी के रिलेटेड वो बात करने गए हैं। पहले से ही बुक था हमारा ऐसा डिनर का कुछ सेटअप, लेकिन उसमें कुछ अगर एक्स्ट्रा कुछ इंक्लूड कराना चाहते हो या फिर कुछ और कुछ अगर ऐड करना चाहते हो तो आप जाके डिस्कस कर सकते हो। तो बस वो इसीलिए डिस्कस करने गए हैं। मुझे लगा कि मुझे नींद आ जाएगी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बट मुझे नींद नहीं आई और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ। एंड यहाँ शाम के टाइम हम लोग निकल चुके थे थोड़ा देखने वेने के लिए कि कितना एक्टिविटीज सब में क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके उसका कुछ पता करने के लिए गए थे। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड बस पूछ रहे हैं कि किसका कितना लगता है नहीं लगता है। गाइस, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक्टिविटी के बारे में पता करने आए हैं कि क्या करना सही रहेगा। तो
तो सबके यहाँ पे चार्जेस दिए हुए हैं $35, $100 वेल साफ साफ। और अभी सनसेट का टाइम हो रहा था तो बस उसी को थोड़ा सा देखने चले आए थे हम लोग कि, और इतना ब्यूटीफुल नज़ारा, इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताएं आपको। और इस टाइम स्पेशली लोग फोटो शूट करवाने आते हैं सनसेट का, इतना अच्छा व्यू है। और ये जो आइलैंड है इसका नाम ही है माफूसी। तो जब हम लोग फर्स्ट टाइम जब आए तो यहीं पे हम लोग बोट से उतरे थे और हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बोटिंग के लिए। शाम का टाइम है, रात का टाइम, और बहुत मज़ा आ रहा था। कहाँ? हाँ क्या जेल? मालदीव का सबसे बड़ा जेल यहीं पे, वो वाइट वाला जेल। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 8 और हम लोग आ गए हैं नीचे, और यहाँ पे कुछ स्पेशल ओकेजन होने वाला है, लाइक आई डोंट नो क्या होने वाला है, लेकिन कुछ स्पेशल कुछ होने वाला है, कुछ प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग डिनर करेंगे, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग पे, बाद मिलते हैं आप लोग। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं बोट वेयर, वो एक प्रोग्राम है तो वो देखने जा रहे हैं, और ये है रहा रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोग डिनर करेंगे। लगा हुआ है जो आपको जो भी खाने का मन आप खा सकते हो चूज करके। डिजर्ट है और ये मेन कोर्स इधर। राइस, चावल, पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता था क्या? वो व्हाइट सॉस पास्ता कौन से खाना है? ये व्हाइट सॉस था। ये चिकन, पोटैटो, ग्रीन पीस, आलू और वेजिटेबल टेम्पूरा। वेजिटेबल टेम्पूरा, टेम्पूरा यही है। रोस्टी, रोस्टी इधर, बाबेक्यू सॉस, रोटी इधर, देखो सॉसेज आइए, चिकन सॉसेज। पहली बार मैं देख रही हूँ चिकन सॉसेज। वहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, हम लोग वही देखेंगे, इसके बाद हम लोग डिनर करेंगे और वापस होटल रूम में चले जाएंगे।
और अभी आपने देखा हमारा डांस। ट्रस्ट में गाइस हम लोग बहुत मस्ती किए, और आपको ये बात जान के बहुत खुशी हुई कि मालदीप में ना इंडियन सॉन्ग का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है, बहुत पसंद करते हैं वो लोग इंडियन सॉन्ग, चाहे 90s के हो या फिर रिसेंट के जो भी हो, तो बहुत अच्छे से लोग सुनते हैं। और हम लोग का जो डिनर का प्लानिंग है, स्पेशल डिनर हमारे एनिवर्सरी का, तो वो दूसरे ब्लॉग में, कल के ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। इस ब्लॉग में नहीं हो पाएगा, ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। तो सारा खाना मैं ले रही थी, क्योंकि वहाँ का जितना भी जो था ना, जितना भी अलग अलग प्रकार का आइटम जो था, तो वो सब मैं फर्स्ट टाइम ही खा रही थी, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सब ले रही थी। वैसे खा तो नहीं पाती मैं ज़्यादा, बट मैं थोड़ा थोड़ा ले रही थी मैं सिर्फ टेस्ट करने के लिए। और मेरे हस्बैंड तो वहीं रहते हैं, तो उनको तो आदत सी हो गई है ये सब खाने की, तो उनको कुछ यूनिक नहीं लग रहा था, बट मुझे बहुत चीज़ें बहुत यूनिक लगी, और इसलिए मैं सब कुछ टेस्ट कर रही थी। ये तुम कब मंगवाए? एनिवर्सरी के? अरे अब बेड भी क्या, क्या हाल हो गया सब एक काट 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 देने वो भूल गए, तो चम्मच से। सुगु कहाँ गई? सुगु हैप्पी एनिवर्सरी। और ये रहा हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, ये रात का है, और डिनर का जो प्लान किया है वो नेक्स्ट डे है, क्योंकि उस दिन कुछ प्रॉब्लम था जो उस दिन नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे हम लोग केक कट कर रहे हैं। मैं जब रूम पे आई ना डिनर करके, तो उसके बाद मैं सॉ रही हूँ कि बेड पे रखा हुआ था केक, और हम लोग बहुत खुश थे, और केक इतना टेस्टी था कि सबसे ज़्यादा मैंने ही खाया, उनको उतना पसंद नहीं है केक, मैं तो बैठ के बस खा ही जा रही थी, ये आप लोगों के लिए थोड़ा और ये देखिए कैसे मैं खा रही हूँ इसको, सबको मैं जा रही हूँ छोटे से फ्रिज में रखने के लिए, क्योंकि कल खाऊंगी।